हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1.3। देखो ये चैप्टर 1 के जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके। देखो इसमें क्या कहता है, कहता है चेक दैट द रेशियो, ये है रेशियो आपके पास, क्या है ये रेशियो, के ई स्क्वायर अपॉन में है ये जी एम ई एंड एम पी इज डायमेंशन लेस। ठीक है, तो ये आपको चेक करना है कि ये रेशियो डायमेंशन लेस है या नहीं है। ठीक है, लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कॉन्स्टेंट्स, जो आपको पता ही है फिजिकल कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे यहाँ पर के क्या है हमारे पास, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट है, जी क्या है हमारा ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, उसकी बात कर रही है, एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। तो इनकी आपको वैल्यू भी क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। और साथ में आपको क्या कहता है, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, ये रेशियो क्या सिग्निफाई करती है। देखो सबसे पहले तो ये सोचो कि ये किसकी रेशियो है। अगर आप ध्यान से देखो, ऊपर है के ई स्क्वायर और नीचे जी एम ई एम पी। अब ये के ई स्क्वायर देखो जरा कहाँ हो सकता है। अगर हम कहें कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है और इनके बीच की जो दूरी है वो है आर, ठीक है, तो इस पर भी चार्ज क्या होगा हमारे पास, ई होगा, और इस पर भी चार्ज तो क्या होगा, ई होगा। वो अलग बात है, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा। ठीक है, तो हमें पता ही है कि अगर ये प्रोटॉन है और एक ये इलेक्ट्रॉन है, क्लियर, या ये इलेक्ट्रॉन मान लो, इसको मैं माइनस कहता हूँ, इसको प्लस, क्योंकि नीचे देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऐसे दिया हुआ है, तो ऐसे समझ लो। ठीक है, अब अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स याद है, वहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता था के क्यू वन क्यू टू ओवर में आर स्क्वायर, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बनेगा के, और चार्ज वन वाले पे भी ई है और दूसरे पे भी ई है, तो ये बन क्या गया हमारे पास, के ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर इन्हीं की हम बात करें यहीं पर ही, अगर यहाँ पर हम बात करें ग्रेविटेशन फोर्स की, तो फॉर्मूला होता है जी एम वन एम टू ओवर में आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जी तो ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट होता है, और मास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का होगा वन वाले में, और यहाँ पर अगर ये हमारा क्यू वन है ये क्यू टू है, तो यहाँ मास इसका एम वन होगा, इसका मास एम टू होगा। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है एम वन वाला, और मास ऑफ टू क्या है हमारे पास, मास ऑफ प्रोटॉन है, तो वो इस तरीके से लिखेंगे, और आर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि एफ ई अपॉन में अगर एफ जी करेंगे, अगर आप देखोगे ना एग्जाम्पल 1.3 सेम ऐसा ही था, आप देखना जरा, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर चल रहा है, बाकी इस तरीके से ही था। तो एफ ई बाई एफ जी क्या होगा हमारे पास, के ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, और एफ जी क्या होगा, जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन और ये आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, देख लो ये क्या आया, के ई स्क्वायर अपॉन में जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये हमारे पास एक्चुअली में जो रेशियो है वो किसकी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई आपको कि ये है किस चीज़ की रेशियो। अब उसने कहा ये डायमेंशन लेस है। अब मैंने ये कहानी आपको क्यों बताई है पूरी की पूरी, क्योंकि ये एक्चुअली बना कहाँ से है आपके पास, ये एफ ई बाई एफ जी से है ना। ये देख लो यहाँ पर ये एफ ई बाई एफ जी ही आया है या नहीं आया। तो अगर मैं इसकी डायमेंशंस निकाल लूँ, ऊपर की अलग नीचे की अलग, कि के हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट होता है, ई हमारा चार्ज हो गया, और जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो गया, ये मासेस हो गए, तो ऐसे क्या होगा आपको थोड़ा सा लेंथ ही जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट हम यहाँ पर कर लें कि ये जो टर्म है पूरी की पूरी, अगर हम यहाँ पर देखें, ये इतना पार्ट समझ में आया आपको, ठीक है, तो यहाँ पर ही आ जाओ। तो ये किसकी रेशियो है, ये एफ ई बाई एफ जी की रेशियो है, तो यानी कि फोर्स की रेशियो है। तो फोर्स एक्चुअल में एक कहानी आपके पास होती है मास इंटू एक्सेलरेशन, वहीं से हम डायमेंशंस भी बताते हैं इसकी। मास की एम एक्सेलरेशन की होती है, एल टी माइनस टू, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास बताओ, या वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और ये साथ में टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट एल से लिखते हैं और टाइम को हम टी से लिखेंगे, और दो है तो टी स्क्वायर, तो एल टी माइनस टू हो जाता है। तो ये एक्सेलरेशन के एल टी माइनस टू यहाँ लिख दिए, तो एम वन एल वन टी माइनस टू फोर्स के होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ आपको वैसे ही बताई है मैंने, ठीक है, जिसको नहीं पता। तो बस यहाँ पर फोर्स, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है चाहे ग्रेविटेशन फोर्स है, इनकी डायमेंशंस तो यही होंगी। क्या होंगी डायमेंशंस, देखो एम एल टी माइनस टू, और इसकी भी क्या होगी, एम एल टी माइनस टू। तो ये तो क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं सब, तो यानी कि वन आ रही है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ वन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये डायमेंशन लेस है, यहाँ सब कुछ क्या है, जीरो हो गया, क्योंकि रेशियो है, फोर्स की रेशियो है, तो एम से एम कट गया, एल से एल, टी माइनस टू टी माइनस टू कट गया, तो क्या लिखोगे, ये डायमेंशन लेस है। तो आप हम यहाँ लिखेंगे, दिस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एट सेम डिस्टेंस ये ब्रैकेट में कर दो, बिटवीन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है जी, बात इतनी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बता दो कोई दिक्कत है तो, क्लियर कट कहानी है। ठीक है, अब अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है यहाँ से, तो ये पता चल गया हमें, ठीक है, इजी वे में हमने पता कर लिया कि भाई फोर्स की रेशियो है, तो ऑब्वियस बात है डायमेंशन लेस ही होंगी, ऊपर भी सेम क्वांटिटी नीचे भी सेम क्वांटिटी, आई कैसी है ये पूरी कहानी है मैंने आपको यहाँ समझाई। ठीक है,
अब यहाँ पर वो क्या कहता है कि इनकी वैल्यू भी बताओ, है ना, क्या बताता है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशो। तो देखो जो वैल्यू डिटरमाइन करनी है वो देखो हमारे पास फॉर्मूला है ये के ई स्क्वेयर अपॉन में जी एम ई एम पी, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू थी 9 × 10⁻¹, जिसको हम के को लिखते हैं 1/4πε₀, 9 × 10⁻¹। और ई स्क्वेयर है तो 1.6 × 10⁻¹⁹, दो बार लिख दूँ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन पर भी चार्ज तो ये रहता है, सिर्फ क्या डिफरेंस होता है साइन का, लेकिन यहाँ तो साइन भी नहीं लगाते हम, ठीक है, मैग्नीट्यूड देते हैं। जी की वैल्यू देखो, जी क्या है हमारे पास बताओ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको आप यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोलते हो, तो इसकी वैल्यू जो होती है आपके पास होती है 6.67 × 10⁻¹⁵, और इसके यूनिट होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, चलो उसकी जरूरत नहीं है। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी को पता है आपको 9.1 × 10⁻³¹ kg, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻²⁷ kg। अगर आपको याद हो एग्जांपल 1.3 में भी मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी, तो वहाँ पर देखना सेम कैलकुलेशन है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे, 9.1 से ये 9 काट देंगे, और यहाँ से 1.6 से 1.67 से काट देंगे। अब देखो जरा ऊपर क्या बचा हमारे पास, 1.6 × 10⁻¹⁸ - 19 - 19 - 38 - 38 और प्लस का 9 कितना बन गया, -29, तो ये -29 आ गया। अपॉन में देखो जरा यहाँ पर है 6.67 और इंटू में ये देखो जरा यहाँ पर ये माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, तो सारी प्लस होंगे, माइनस 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 प्लस हो जाएंगे ये, ठीक है। तो 31, 11, 2 और ये 4 और 27 भी ऐड कर दो इसमें, 9 और ये 69 हो गया, ठीक है। तो 10⁻⁵ - 69 हो गया, ठीक है। तो इसको अब अगर हम सोल्व करें, ये 16 का तो 10 यहाँ आ गया और 6.67 का 100 ऊपर चला जाएगा पॉइंट हटेंगे तो, और ये 10⁻⁴ ये ऊपर जाके प्लस 69, तो 69 में से 29 माइनस करोगे तो कितना बनेगा ये हमारे पास 40, तो प्लस का 40 बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब इसको सोल्व कर लो जरा, यहाँ पर देखो जरा ये यहीं पर ऐसे ही रहने देता हूँ 100, अभी देखना जरा 1600 हो गया ये, और ये 667 हो गया, और ये 10⁻⁴ यहाँ 1 ऊपर जाके ये माइनस होगा तो 39 बचेगी। अब इसको आप करोगे ना 1600 को 667 से, ठीक है, तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेट इतना आएगा 2.39, डिवाइड करोगे जब इसको इंटू में 10⁻³, ठीक है। और यहाँ पर कोई यूनिट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये रेशो चल रही है ना, वैसे तो न्यूटन न्यूटन होगा, ये FE/FG चल रहा है ना, न्यूटन न्यूटन कैंसिल ही होगा, रेशो में वैसे भी अगर सेम क्वांटिटी है ना तो फिर कोई यूनिट नहीं होगा, जैसे डायमेंशन लेस है तो यूनिट भी नहीं होगा कोई, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। वो अलग बात है कि कहीं डायमेंशन लेस जो क्वांटिटीज होते हैं उनके यूनिट होते हैं, ठीक है, ये तो पता है ना आपको कहानी, प्लस वन की कहानी है, कुछ डायमेंशन लेस होती है ना क्वांटिटीज़, लेकिन उनके यूनिट होते हैं, जैसे एंगल यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होती, ठीक है, क्लियर। तो ये आ गया यहाँ पर, ये चीज़ समझ में आई, इसको मैं अप्रोक्सीमेट ऐसे लिख सकता हूँ 2.4 × 10⁻³¹, ठीक है, ये है FE अपॉन में FG, क्लियर, ये चीज़ क्लियर है ना, ठीक है। यहाँ पर अब ये क्या सिग्निफाई कर रही है, ये रेशो सिग्निफाई करती है क्या कि FE, सिग्निफिकेशन में ये भी बोल सकते हो आप, ये रेशो किसकी है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा यहाँ से आप इसके बारे में भी बता सकते हो 2.4 × 10⁻³¹⁹ और ये FG इधर ले गए, तो यहाँ से हमें क्या कहानी पता चलती है इसमें, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्यों, क्योंकि देखो FE = में इतने टाइम्स है ये FG के, कुछ FG हो की वैल्यू होगी, उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तब जाके FE की वैल्यू आएगी, यानी कि FE इस वाली से कितना टाइम ज़्यादा है, इतना टाइम ज़्यादा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस शोज दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लियर है, बताओ समझ में आई कहानी, ठीक है। तो ये चीज़ पता चल जानी चाहिए आपको, प्रैक्टिस से पता चल जाती है कि ये रेशो जो थी ये किसकी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स की थी, इनमें इनके डिस्टेंस के जो स्क्वायर हुए थे दोनों में ही आते हैं और सेम डिस्टेंस पे ही है ये, तो ऑब्वियस बात है वो कट आउट होंगे और ये जो रेशो है ये बनती है। अब ये रेशो, ये इसके यहाँ डायमेंशन लिखने की बजाय हमने क्या किया, फोर्स के ही लिख दिए, तो ईजी हो गया हमारे लिए, तो हमने बता भी दिया डायमेंशन लेस है ये, ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, वैल्यू जो है सेम आप एग्जांपल 1.3 में देखना, ये तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना, ऐसी एग्जांपल भी आपके पास चैप्टर में 1.3 देख लेना आप, ठीक है, करवाया हुआ है मैंने, तो वहाँ पर भी सेम ऐसे ही किया हुआ है, इसकी वैल्यू ऐसे ही निकाल ली हुई है, ठीक है, क्लियर है, बता दो कोई दिक्कत हो इसमें, ठीक है। तो वैल्यू तो आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है, तो जैसे हमें यहाँ पर के की वैल्यू की ज़रूरत थी, जी की भी ज़रूरत थी, तो इनसे हमें पता चल जाता है फॉर्मूले से कि ये क्या है, के क्या है यहाँ और जी क्या है, ठीक है, क्योंकि अगर हमें पता है कि ये फॉर्मूले किस चीज़ के हैं और कैसे ये रेशो आई है, क्लियर, बताओ कर लोगे, सिंपल है, ओके जी, थैंक यू।